नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। पटना में जन विश्वास रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर लालू प्रसाद यादव के बयान पर पीएम मोदी का करारा जवाब आया। परिवारवाद पर हमले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, लेकिन पीएम ने देश की जनता को अपना परिवार बताकर जवाब दिया। उधर एमपी में भी इसे लेकर सियासत हो रही है। सबसे पहले सुनिए परिवारवाद पर मोदी का अब तक का सबसे बड़ा हमला। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। दरअसल रविवार को पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन ने रैली की। इस दौरान आरजेडी के लालू प्रसाद यादव शब्दों की मर्यादा भूल गए और पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी की। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब और तुम हिंदू भी नहीं है। उधर लालू प्रसाद के बयान के बाद से बीजेपी ने इंडी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बदलकर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा। वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, लेकिन लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं उनके मन में केवल अपना परिवार है। उधर जीतू पटवारी ने परिवारवाद को लेकर बीजेपी के हमलों से बचाव किया, साथ ही संघ को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के एथिक्स और सिद्धांत बदल गए, देश को गुमराह किया। प्रोपोगेंडा बनाने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। पहले कहते थे बीजेपी देश बड़ा है, फिर पार्टी बड़ी है, फिर नेता बड़ा है। ये आज इनने नेता बड़ा किया है, पार्टी छोटी की है। ये पहले संघ परिवार था, मोदी परिवार है। पीएम मोदी के लिए अमर्यादित बोल का खामियाजा विपक्ष को भारी पड़ सकता है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है जो इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर पीएम मोदी पर लालू प्रसाद यादव के बयान पर सीएम मोहन यादव और विष्णुदेव साय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमने भी जोड़ा है, सभी जोड़ रहे हैं। और ये बात सही कि माननीय मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है कि समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कारण से बच्चा बच्चा उनके इस भाव को श्रद्धान्वित है और स्वागत करता है। लालू प्रसाद यादव टिप्पणी किए थे, जो बड़े माननीय व्यक्ति हैं, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के कई के बार से मुख्यमंत्री रहे, कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। तो मोदी जी के परिवार जितना बड़ा तो किसी का परिवार नहीं है। 140 करोड़ उनके परिवार में सदस्य हैं। आज इस देश में जो 140 करोड़ भारतीय हैं वो सबके वो मुखिया हैं,
और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेके वो सबका भला चाहते। एमपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है और आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में न्याय यात्रा निकालेंगे। उससे पहले राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच राहुल गांधी मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी का प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्वागत किया। उसके बाद राहुल शिवपुर के लिए निकल गए, जहां उन्होंने एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। पेपर लीक हो जाते हैं, पटवारी घोटाला, आर्मी वाले घोटाला, उसके बारे में अभी थोड़ा बताऊंगा आपको। पब्लिक सेक्टर को पूरा प्राइवेटाइज कर दिया, पब्लिक अस्पतालों को उन्हीं को 20-25 लोगों के हाथ कर दिया, स्कूल कॉलेजेस को उन्हीं 30-40 लोगों को पकड़ा दिया। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में चल रही यात्रा के दौरान बीजेपी कांग्रेस के बीच इस यात्रा को लेकर वार पलटवार जारी है। वहीं न्याय यात्रा से उत्साहित कांग्रेस अब जीत के दावे भी करने लगी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जहां तक बात है, जगह जगह ये लोग मतलब इस तरह के अड़ंगे डाल रहे हैं कि यात्रा सफल ना हो पाए राहुल जी की, फिर भी जनता का अपार स्नेह और अपार समर्थन मिल रहा है और ये कह रहे हैं इनको जानकारी नहीं। मुझे लगता है डिप्टी सीएम साहब शायद नींद से नहीं जागे हैं, अच्छे थोड़ा नींद से जागे, आज तो दर्शन वर्शन करने गए हैं, उस पर थोड़ा सा नींद से जाग जाएं, थोड़ा सा आंखें माखें खोल लें, चश्मा वश्मा लगा लें, शायद इसलिए हो सकता है उनको ना दिख रहा हो। कांग्रेस भले ही राहुल गांधी की यात्रा से एमपी में करिश्मा की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर निशाना साध रही है। पार्टी का कहना है कि यात्रा को समर्थन तो दूर की बात है, पार्टी के अपने नेता राहुल गांधी से दूर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश यात्रा में कमलनाथ और नकुलनाथ ने उनसे दूरी बना ली है, यात्रा से दूरी बना ली है, कोई ये न्यूज नहीं है, क्योंकि जहां जहां भी राहुल गांधी जा रहे हैं इनके वरिष्ठ नेता ही इनसे दूरी बनाते हैं, इनके कार्यकर्ता ही इनसे दूरी बनाते हैं। वहां कांग्रेस या तो टूट जाती है या इनका इंडी गठबंधन टूट जाता है या कांग्रेस में दरार। बीजेपी का वार और अपनों के समर्थन के दावे के बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में जारी है। शिवपुर के बाद राहुल गांधी की उज्जैन में यात्रा होगी। उज्जैन में राहुल गांधी बाबा महाकाल का दर्शन कर अपनी यात्रा का आगाज करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अब की बार कुछ अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक इंसान जो कई सालों पहले मर गया लेकिन वो जिंदा है और वो पूरी वो मजदूरी करता है, उसके नाम पर रुपया आता है, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। ये मामला है अंबिकापुर के उदयपुर ब्लॉक का, जहां मनरेगा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मौत के बाद भी वो जिंदा है, मरने के बाद वो करती है मजदूरी, उसके बैंक खाते में आता है पेमेंट, यहां भूत करते हैं मजदूरी। सही सुना, यहां भूत भी मजदूरी करते हैं, मरने के बाद भी वो जिंदा हैं और उसके बैंक खाते में रुपए आते हैं। ये मामला है अंबिकापुर के उदयपुर ब्लॉक का, जहां मनरेगा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मनरेगा के तहत यहां सालों से एक मृत महिला की हाजिरी लगाई जा रही है और उसके नाम से भुगतान भी किया जा रहा है। मोर गांव में भारी दिक्कत ये है कि वो जो रोजगार गारंटी काम करत है और मरीन है तेकर नाम में पैसा चढ़ाते हैं। मेठ मीना मुंशी की दादी है मानमती, उसी द्वारा वो तो मर गई है, 15 या 16 में वो मरी है, तो वो तो मरी है तो उसके पैसा भी चढ़ा रहे हूँ उसकी खाता में। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों से नमना गांव में मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य में रोजगार सहायक और मेट फर्जी हाजिरी भर रहे हैं, परिवार के सदस्यों के नाम भरकर सरकारी राशि उठा रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को हटाने की मांग की है। रोजगार सहायक और उसके सहायक उसके द्वारा नियुक्त किए गए मेट के द्वारा फर्जी हाजिरी भरा जाता है सर, जिसको हम लोग ऑनलाइन के सुविधा से जितना भी फॉर्म भरे हैं उसको निकलवाए हैं सर, उसमें पता चला है कि वो लोग लाखों का फर्जीवाड़ा किए हैं। मामले की शिकायत जिला पंचायत सीईओ से की गई है।
सीईओ का कहना है कि 3 दिन के अंदर अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना मुझे भी आत हुई तो हमने इसमें संज्ञान लेते हुए सीईओ जनपद को निर्देश जारी किया हुआ है कि इसमें जांच रिपोर्ट विद इन 3 डेज के भीतर दे। जैसी जांच रिपोर्ट हमारे पास आएगी आगामी कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ जांच का आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत, न्यूज 18। कहीं इंसानियत की तस्वीर दिखी तो कहीं हैवानियत की तस्वीर। किसी ने जान पर खेलकर जान बचाई तो किसी ने अकड़ कर बंदूक तान दी। जबलपुर में कुत्ते के 2 बच्चों को बचाया गया तो वहीं ग्वालियर में कुत्ते के भौंकने पर एक शख्स ने बंदूक तान दी। रिपोर्ट देखिए। इन 2 तस्वीरों को देखिए। दोनों तस्वीरों की कहानी अलग अलग है। एक तस्वीर इंसानियत की है और दूसरी तस्वीर हैवानियत की। सबसे पहले बात इंसानियत की। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की छत पर कुत्ते के 2 बच्चे पहुंच गए। इनको बचाने के लिए करीब आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसमें डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी शामिल थे जिन्होंने मिलकर डॉगी के 2 बच्चों को बचाया। बताया जा रहा है कि बंदरों ने इन बच्चों को अस्पताल की छत पर पहुंचा दिया था, लेकिन अस्पताल में प्रशासन ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए इन्हें बचा लिया। अब बात हैवानियत की, जहां एक कुत्ते के भौंकने पर एक बदमाश ने बंदूक तान दी। ये ग्वालियर में दबंगई की तस्वीर है। एक छोटा सा विवाद और बात पहुंच गई तमंचे तक। बताया जा रहा है कि कुत्ते के भौंकने की वजह से युवक भड़क गया और उसने महिलाओं पर बंदूक तान दी। इतना ही नहीं, युवक पर आरोप है कि उसने बंदूक दिखाकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह युवक बदसलूकी कर रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला टेकरपुर के चुरली गाँव का है। एक तरफ लोगों की इंसानियत दिखी तो वही दूसरी तरफ हैवानियत। कुत्ता भौंक क्या गया, युवक इतना भड़क गया कि उसने तमंचा निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। किसी भी पत्नी की डिमांड होती है महंगी लिपस्टिक, लेकिन आगरा से एक अनोखा मामला सामने आया जहां पति महंगी लिपस्टिक लेकर आया तो पत्नी लड़ाई कर मायके चली गई। नौबत तलाक तक आ गई। क्या है पूरा मामला देखिए। लिपस्टिक आजकल की लड़कियों के मेकअप के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। लिपस्टिक के बिना तो मानो मेकअप होता ही नहीं, लेकिन लिपस्टिक के कारण कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने नहीं सोचा था। लिपस्टिक के कारण एक पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ गई। बिल्कुल सही सुना आपने, लिपस्टिक के कारण मामला तलाक तक पहुंच गया। मामला आगरा का है। लिपस्टिक के कारण यहां एक पति पत्नी में नोकझोंक हो गई और मामला परामर्श केंद्र तक जा पहुंचा। दरअसल पत्नी ने पति से लिपस्टिक लाने की मांग की थी। पति लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन फिर भी विवाद हो गया। अब हम बताते हैं आपको कैसे। दरअसल पत्नी ने पति से लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि उसे महंगी लिपस्टिक नहीं चाहिए और सबसे सस्ती लिपस्टिक लाने को कहा। लेकिन पति थोड़ी महंगी लिपस्टिक ले आया, फिर क्या था, पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अक्सर पत्नियां महंगी लिपस्टिक की मांग करती हैं, लेकिन ये पत्नी चाहती थी कि उसका पति ज्यादा खर्चा ना करे और इसीलिए उसने सस्ती लिपस्टिक की मांग की थी। लेकिन पति जब महंगी लिपस्टिक ले आया तो वो नाराज होकर मायके चली गई और मामला परामर्श केंद्र पर जा पहुंचा। पति पत्नी दोनों आगरा के परामर्श केंद्र पहुंचे। परामर्श केंद्र के कर्मचारियों ने जब मामला सुना तो वो भी हैरान रह गए और बड़ी ही मेहनत से उन्होंने पत्नी को समझाया और पति को आगे से फिजूल खर्ची ना करने की सलाह दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बजट को देखते हुए उसका कहना ये है कि सर पैसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो पैसे मेरे बच्चे के लिए भी काम में आएंगे। परंतु मैंने भी उसको बोला कि 10 रुपये का लिपस्टिक कहाँ से आएगा, 30 रुपये का लाया तो उसी को लगा लो। तो 30 रुपये का लिपस्टिक के चक्कर में वो अपने घर मायके चली गई। मारपीट हो गई दोनों में आपस में। अब वो उसका राजीनामा करा दिया, अब दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। परामर्श केंद्र से समझाने बुझाने के बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ और पति पत्नी दोनों हंसी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन लिपस्टिक ने इस पति पत्नी को तलाक की कगार पर पहुंचा दिया था। न्यूज 18 के लिए आगरा से कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।
और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। से गूथने का वीडियो वायरल, कलेक्टर ने कही जांच की बात, लोगों को किया सावधान। गरियाबंद के राजिम कुंभ में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही कथावाचक प्रदीप मिश्र रहे मौजूद। नमतरी में स्कूल में लगी आग, फर्नीचर जलकर खाक, दमकल ने आग पर पाया काबू। अंबिकापुर में छात्रों से भरी स्कूली वैन बेकाबू होकर पलटी, हादसे में करीब एक दर्जन छात्र घायल, अस्पताल में भर्ती। कोरबा में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया दाल भात केंद्र का शुभारंभ, देवांगन ने श्रमिकों के साथ खाया भात, पौष्टिक भोजन देने की शुरुआत। कांकेर में शहीद जवान को दी गई नम आंखों से श्रद्धांजलि, कल मुठभेड़ में हुए थे शहीद, गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। रायगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल गिरी को मारी गोली। रायपुर में झारखंड की कलाकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म। महासमुंद में बेजा कब्जे पर फिर चला बुलडोजर। जांजगीर चांपा में तलवार लेकर अस्पताल पहुंचने वाला युवक गिरफ्तार। दुर्ग में हिंदूवादी संगठनों ने भरी हुंकार। महासमुंद में अतिक्रमणकारियों ने नेशनल हाईवे पर किया प्रदर्शन। कवर्धा में चिल्फी घाटी में लगा जाम, दोनों तरफ लंबी लंबी कतार। नमतरी में ओडिशा बॉर्डर पर चक्का जाम। बलरामपुर में सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने ओपीडी को नाराज होकर बंद कर दिया। सूरजपुर में दंतैल हाथी की दहशत। कांकेर के हिदूर में मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर। धमतरी की ट्रांसमिशन लाइन की हाइट राइजिंग के काम में गंभीर लापरवाही। अंबिकापुर में लघु उद्योग लगाने के नाम पर युवाओं से लाखों की ठगी। खरगोन में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की, मौके से आरोपी पति फरार, चरित्र शंका में हत्या। रायपुर में झारखंड की एक कलाकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, नशीली पदार्थ पिलाकर किया गैंगरेप, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। भिंड में मामूली विवाद में तीन युवकों ने चलाई गोली, इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग, कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। मेहर में छात्राओं से प्रिंसिपल ने लगवाई झाड़ू, रामनगर विकासखंड का मामला, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप। ग्वालियर में फर्जी क्राइम ब्रांच अफसर पकड़ा गया, क्राइम ब्रांच की जाल में फंसा फर्जी व्यापारी को ठगने की कर रहा था कोशिश। बालाघाट में रिश्वतखोर रोजगार सहायक गिरफ्तार, 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, पीएम आवास के लिए ले रहा था रिश्वत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के वन भले ही समृद्ध हैं, मगर वन्य जीवों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। बाघों की संख्या पहले कम हुई और अब तेंदुए की संख्या में भारी कमी आई है, इसका खुलासा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने आंकड़े जारी कर किया है। अब ये आंकड़े सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। एक स्टेट है जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं, जिसकी पहचान ही यहाँ की वन संपदा है। वन मतलब जंगल का इलाका जो करीब करीब 49% है। अब सोचिए जिस राज्य में जंगल का क्षेत्र इतना ज्यादा हो तो फिर यहाँ जंगली जानवरों की तो भरमार होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जंगल बस पेड़ पौधों के लिए रह गए हैं, यहाँ से आए दिन जानवर विलुप्त तो होते जा रहे हैं। कहने को तो वन्य जीवों के संरक्षण के नाम पर करोड़ों खर्च हो रहा है, उसके बावजूद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वन विभाग के जारी आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में 2014 के अंत तक 846 तेंदुए थे। 2018 आते आते तेंदुए की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई, संख्या 852 तक पहुंच गई। लेकिन उसके बाद जो आंकड़े आए वो हैरान करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 2022 तक 722 तेंदुआ ही बचे, मतलब करीब 3 से 4 साल में 130 तेंदुआ कम हो गए। मतलब साफ है, एक तरफ पड़ोसी राज्य एमपी में जंगली जानवर बढ़ रहे हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ में कम हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह की पड़ताल की तो जो बातें सामने आई उसे भी जान लीजिए। मुख्य कारण है शिकार जो कम होने का है। शिकार ज्यादा जो है उदंती सीता नदी, कांकेर और पूरे छत्तीसगढ़ में इसका शिकार हो रहा है।
दूसरा कि बहुत सारी जगह पे हमारा तेंदुआ मानव द्वंद जो है वो बढ़ गया है। उसका कारण है कि जंगल में प्रे बेस इनके लिए नहीं रहा है। जब जंगल में प्रे नहीं है तो ये बाहर की तरफ निकलते हैं और फिर इजीली शिकार हो जाते हैं। वजह तो सुन ही लिया, एक नहीं कई हैं। जानवरों की शिकार से लेकर जंगल का खात्मा, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए करोड़ों खर्च हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब ऐसे में सवाल, यही हाल रहा तो क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से जानवर विलुप्त हो जाएंगे? क्या इस दिशा में उचित कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है? रायपुर से न्यूज 18 के लिए युगल तिवारी की रिपोर्ट। अब आपको एक अनोखे रिश्ते के बारे में बताते हैं। ये रिश्ता है एक पक्षी और इंसान का। कैसे एक पक्षी स्वप्ना का भाई बन गया और उसके नाम से सैलून भी खोला गया। वो पक्षी है लेकिन स्वप्ना उसका जन्मदिन मनाती है, उसको राखी बांधती है। ये रिपोर्ट देखिए। प्यार का अनोखा रिश्ता, एक तोता जो बन गया भाई, बीमार हुआ तो 6 किलोमीटर चली पैदल, ये है प्यार की अनोखी कहानी। क्या किसी पक्षी को भाई बनाया जा सकता है? शायद आपको सुनने में अजीब लग रहा हो लेकिन ऐसा है। अंबिकापुर में एक युवती ने तोते को भाई बना लिया। इसकी चर्चा इलाके में खूब है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यह तोता युवती के कंधे पर बैठा है। इस तोते का नाम हीर है और युवती का नाम स्वप्ना। बताया जा रहा है कि स्वप्ना का कोई भाई नहीं है तो उसने तोते को ही अपना भाई बना लिया। स्वप्ना और हीर के बीच गहरा प्यार है। स्वप्ना ने अपने सैलून का नाम भी स्वप्ना हीर रखा है। हम दोनों का नाम मिक्स होकर स्वप्ना हीर बनता है क्योंकि इसका नाम हीर है। और मैं ये पैरोट को, मैं, मेरे 4 साल होने वाला है एक्चुअली। देखिए, पहले मैं, मेरा कोई सगा भाई नहीं और मेरे को भाई का शौक था। एंड भाई जैसे ट्रीट भी है, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं घूमती हूँ तो एक ब्रदर जैसे घूमता है, साथ होती है, मेरे कंधे में बैठ के घूमती है। इतना ही नहीं, स्वप्ना रक्षाबंधन पर हीर को राखी भी बांधती है। आप तस्वीरों में स्वप्ना को राखी बांधते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, तोते का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्मदिन में आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, जिस तरह हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। बताया जा रहा है कि एक बार तोता बीमार पड़ गया, स्वप्ना इलाज के लिए उसे लेकर रायपुर तक पहुंच गई थी। बीच में उसको एक बीमारी हो गई थी, सर में उसके बाल पूरे झड़ गए थे मात्र, तो एक डॉक्टर को दिखाने के लिए स्पेशली वो गाड़ी बुक करके रायपुर ले गई और लगातार उसके संपर्क में रही और अंत में उसको ठीक भी कर ली। उनकी माता जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उससे लगाव है। इंसान क्या, जानवर और पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। स्वप्ना और हीर का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू को बनाने का दम रखता है। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। ये गुजरात के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक था, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को विकास, वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा किया जाना चाहिए और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं बल्कि एक सच्चाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक।